हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ चुका हूँ महाकाल ब्लॉक में। इसका पहले नाम महाकाल कॉरिडोर था, तो मैं आज आपको पूरा महाकाल कॉरिडोर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये पिलर्स बनाए हैं, काफ़ी इनके सुंदर कारीगरी की गई है। आप ये देखिए, और इनमें मूर्तियाँ भी ऊपर साइड लगाई गई है। साथ ही में देखिए, हर पिलर पे इतनी अच्छे से नक्काशी की गई है। आप ये देख पा रहे होंगे नीचे की डिज़ाइन भी कितनी सुंदर लग रही है। और ये सभी पिलर्स पे मूर्तियाँ भी अलग अलग टाइप की बनाई हैं, ऊपर लाइट भी लगाई है। देख सकते हैं आप कितने सारे हैं। सर्दी की वजह से मेरा भी गला बैठा हुआ, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है। तो देखिए शिव जी के कितना प्यारा स्वरूप बनाया है। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाई देंगे श्री कृष्ण भगवान। देखिए यहाँ पर सभी मूर्तियों के नीचे उनका नाम भी लिखा है, यहाँ लिखा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो महालक्ष्मी कमल पर विराजमान की मूर्ति बनाई गई है। ये सभी फाइबर टाइप के मटेरियल की है, ये कोई सा भी कॉन्क्रीट की नहीं है मूर्ति, तो काफ़ी सुंदर लग रही है। मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ की बैकग्राउंड वॉइस में हटाऊँ, ताकि आपको जो ओम की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, ताकि आपको भी ऐसा ही फील हो कि आप भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो भी आपको एरिया दिख रहा है, इसमें यात्रियों के बैठने की जगह यहाँ पे बनाई गई है। देखिए मैं आपको वापस इस साइड से दिखाता हूँ, जिसकी वजह से जो देख नहीं पा रहा था। ये देखिए इतना बड़ा, ये पूरा यात्रियों के बैठने के लिए। यहाँ पे अभी चेयर्स भी लगेगी, अभी लगी नहीं है, बट अभी काम और चल रहा है, अभी और भी डेवलप होगा। और अभी मैं मूर्तियों के पीछे की साइड आपको लेके आया हूँ। और यहाँ से देखिए ये तालाब को देखने का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो आने वाले कुछ समय में यहाँ पर नाव भी चलेगी, पर आप ये देखिए इस तरह से तालाब को देखना कितना अच्छा लग रहा है। और पीछे की साइड ही ये वाली मूर्ति को भी स्थापित किया गया है, शिव का नंदी के रूप में एक अवतार के जैसा। देख सकते हैं आप, ये काफ़ी सुंदर ये प्रतिमा है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि बैठक की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर यात्री आके रुक सकते हैं अगर वो थक गए हैं। तो देखिए इस तरह का ये 32 पिलर्स हैं टोटल यहाँ पे, और 100 से ज़्यादा लाइटें लगी हैं यहाँ पे। देख सकते हैं पूरी छत पे हर थोड़ी दूर में एक लाइटिंग, उसके साथ डिज़ाइन। और ये देखिए इस चीज़ों को अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे बिल्कुल ऑन स्पॉट आके, तो इसको देखने का भी अपना ही मजा है। तो आप ये देख पा रहे होंगे अलग अलग पिलर्स पे कितनी सारी नक्काशियाँ की गई है, तो काफ़ी सुंदर डिजाइने बनाई गई है छतों पे भी। तो पूरे ही पत्थरों के इस पे नक्काशी की गई है, आप देख पा रहे होंगे, और इससे देखना काफ़ी सुंदर लग रहा है। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे कितने भी लोग आए, इस तरह की बीच बीच में यात्रियों के रुकने की जगह बनाई गई, ताकि वो यहाँ पे रुक सके। अगर काफ़ी धूप है तो वो यहाँ पे छाँव में आके बैठ सकते हैं, और अगर पानी भी आ रहा है तो वो यहाँ पे आके रुक सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा से बनाया है, और काफ़ी बड़ा एरिया बनाया है, और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। देखिए अभी सफाई भी चली रही है। चलिए अब मैं इसके अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। देखिए अब अभी हम बाहर आ चुके हैं यहाँ से। इसके बाद जैसे ही आप बाहर की साइड आएंगे तो आपको एक शिव जी का एक और प्रतिमा दिखाई देगी, यहाँ लिखा हुआ भगवान रुद्र का अघोर अवतार। तो शिव जी को ये अघोरी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए मैं थोड़ा पीछे की साइड होता हूँ तो पूरी मूर्ति आ जाएगी मेरे मोबाइल में। देखिए काफ़ी अच्छी प्रतिमा ये भी बनाई गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए उसके पीछे जो अभी हमने मूर्तियाँ देखी थी वो सब आपको दिखाई दे रही होगी। और जो अभी हमने एरिया देखा ये कुछ इस तरह से दिखता है बाहर की साइड से, ये बैठक की व्यवस्था है यहाँ लोगों की।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अभी और भी इसके पार्ट आने वाले हैं महाकाल कॉरिडोर के, मैं अलग अलग हिस्से को बताऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका था तो इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।